नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। प्रधान प्रतिनिधि की मारकर हत्या, हत्यारे फरार, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। भाजपा सांसद पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप, घटना को लेकर दुख जताया। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर प्रदेश के भाजपा योगी सरकार सख्त एक्शन में नजर आती, अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं। वहीं भाजपा केसरगंज सांसद अपने ही सरकार पर गोंडा पुलिस प्रशासन पर लापरवाही लगाया गंभीर आरोप। ताजा मामला थाना छपिया क्षेत्र का है, जहां पर ताबेपुर के प्रधान ईश्वरावती, पत्नी अनिल सिंह, उनके पुत्र दुर्गेश सिंह, प्रेम सिंह उर्फ भोलू सिंह 23 वर्ष प्रधान प्रतिनिधि की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्राम ताम्बेपुर गांव में बाग में मंदिर बाबा कुटी स्थान पर संत श्री बाबा परशुराम दास की प्रथम पुण्यतिथि पर प्राइमरी स्कूल के पास भंडारे का था आयोजन। उसी में मौजूद थे दुर्गेश सिंह उर्फ भोलू सिंह। दिन दहाड़े रंजिश चलते गांव के ही विक्रम वर्मा उर्फ बिकी बलजीत वर्मा ने दिन दहाड़े गोली मारकर की हत्या। हत्या की खबर को सुनते ही कई गाँव के लोग भारी भीड़ लगा लिया। आक्रोशित जनता ने शव रख कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अपराधी की गिरफ्तारी कर रहे मांग। गौरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रभात वर्मा के इशारे पर की गई हत्या। मृतक के परिजनों ने लगाया आरोप। घटना की सूचना मिलते ही छपिया थाना के थाना अध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मनकापुर सीओ पुलिस अधीक्षक शिवराज कोंजा, एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने आक्रोशित जनता को समझा बुझा कर कराया शांत, दिखाया दिया सख्त कार्यवाही का आश्वासन। हत्या के मामले में राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। वहीं भाजपा के केसरगंज सांसद, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने घटना पर जताया दुख। 1 जुलाई को समर्थकों के साथ सांसद मृतक के घर ताबेपुर जाएंगे, मृतक के परिवार वालों से मिलेंगे और संवेदना व्यक्त करेंगे, श्रद्धांजलि। पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। मीडिया से बात करते हुए गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि थाना छपिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ताम्बेपुर गांव में एक व्यक्ति की गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, का नाम दुर्गेश सिंह उर्फ भोलू सिंह था। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ में स्वयं घटनास्थल पहुँच कर चेक किया गया। कानून व्यवस्था स्थिति सामान्य है। परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा लिख कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। हत्या को बताया पुलिस की लापरवाही का नतीजा। मृतक युवक के भाई राहुल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरे भाई दुर्गेश सिंह उर्फ भोलू सिंह बाबा के भंडारे में आए थे। मैंने मना किया था कि आप मत जाइए, पुलिस प्रशासन को गुंडा साबित करने में अभी भी लगी है। उसके बाद विकी वर्मा आए, बलजीत वर्मा वहां खड़े हुए थे। विकी वर्मा के साथ एक और आदमी का उन्होंने पीछे से आकर मेरे भाई पर गोली मार दी। इनसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं थी। गोली भी मारे आसमानी फायरिंग हुए, लहराते हुए बागे लोग डर से पिछड़ गए। समय ट्रैक्टर चला रहा था प्रधानी का रंजीत। विकी वर्मा को बचाने वाला प्रभात वर्मा विधायक है, उन्होंने ये हत्या करवाया है मेरे भाई का। जो लोग साथ में, लोगों ने प्रभात वर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए। थाने में तहरीर में 3 लोग नामजद तहरीर दी गई। वहीं तहरीर में भाजपा विधायक का नाम लिया गया है, उनके इशारे पर की गई हत्या। राम नारायण जायसवाल, जिला संवाददाता गोंडा। भाजपा केसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह की फाइल फोटो। मृतक के परिवार से मिलेंगे, 1 जुलाई को जाएंगे श्रद्धांजलि देंगे। थाने में दी गई तहरीर, नामजद तहरीर, आरोपी मदद करने का भाजपा विधायक पर आरोप। मीडिया से बात करते हुए मृतक के भाई राहुल सिंह की बाइट। क्या हुआ सर? बाबा का भंडारा था, भाई हमारे बोले पहले भंडारे में, मैं बोला मत जाओ। वो आए यहाँ पे, हमारे 2 भाई हैं, बड़े भाई हमारे थे, दोनों आए गली काट रहे थे। हमारा नाम राहुल सिंह, जिनका नाम है दुर्गेश सिंह और प्रेम सिंह भोलू सिंह, 3 नाम का था। इसके बाद ये आए यहाँ पे, बोले भैया हम चले जाएं, हम कहे चले जाओ। इसके बाद पुलिस प्रशासन इनके पीछे अब भी लगी थी, उनको गुंडा साबित करने में अभी भी प्रशासन अब भी लगी थी, इसीलिए वो यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं भेजा चले जाओ। इसके बाद विक्की वर्मा आए, बलजीत वर्मा वहाँ सामने खड़े हुए थे, विक्की वर्मा आए, उनके साथ में एक आदमी था, ये आए भाई से हमारे ऊपर ऐसे हाथ धरे, तो कोई दुश्मनी तो सर था नहीं। इसके बाद पीछे से एक गोली मारे, 2 गोली इधर से मारी। मारने के बाद हमारे गांव वाले उनको बहुत चाहते हैं, सब दौड़े। इसके बाद लहराने के बाद गांव वाले सब भाग लिए। दोस्तों हम उस समय ट्रैक्टर चला रहे थे, वहां से आए ये रंजीत, सिर्फ प्रधानी का, उनको अगर कोई बचाने वाला तो सिर्फ प्रभात वर्मा जी और कोई नहीं है। हत्या कराया प्रभात वर्मा के अलावा कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। भी वही प्रभात वर्मा मुर्दाबाद, प्रभात वर्मा मुर्दाबाद, उसे ने हत्या कराया, उनके अलावा सब कोई हत्या कराया, कोई नहीं है सर। मैं गन्ना लाद के गया था गाड़ी, तुझे मेरा पूरा गांव जानता है, बमनान से हमको लदवाए थे। यही एसओ साहब, एसओ साहब को क्या बोले तलवार जी, हाँ कि भोलू क्रिमिनल है, आज तक भोलू किसी को गोली मारे। भाई के मर्डर में कौन कौन था? हमारे भाई के मर्डर में विक्की वर्मा,
बलजीत वर्मा और प्रभात वर्मा गुर्गे दो और थे। प्रभात वर्मा कौन? प्रभात वर्मा विधानसभा विधायक 300 इलेक्शन में बोल के गए थे, इलेक्शन में बोल के गए थे कि भोलू सिंह के घर खना के मैं रख दूंगा, भोलू सिंह का घर में खनवा के रख दूंगा, उनके चार भाई को मैं बर्बाद कर दूंगा। प्रभात वर्मा, प्रभात वर्मा जी रंजीत से दुश्मनी थी इलेक्शन के दौरान जो है कुछ हम लोगों की कहा सुनी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने बहुत पहले ये मीडिया भी जानती है और हम सब को क्या बताया जाए, अब तो हत्या लोग कर ही दिए। थाना छपिया अंतर्गत ग्राम ताबेपुर में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका नाम दुर्गेश सिंह और भोलू सिंह था। इस सूचना पे पूरी फोर्स के साथ में स्वयं यहां मौके पे पहुंच के चेक किया गया है, कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, तहरीर प्राप्त करके मुकदमा लिख के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।